हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? गाइस, मैं आज आपके साथ पर्पल हॉल शेयर कर रही हूँ। मिनी सा, छोटू सा, पहले ये हटा देते हैं। ये आता है ना बबल रैप करके, नहीं आता है अभी, ऐसे रैप करके आता है जो अच्छा है, प्लास्टिक नहीं आता है। तो आज छोटू सा मिनी सा पर्पल हॉल शेयर करूँगी। सबसे पहले खीशा का एम काफिन फॉर्मिंग फेस वॉश है, जो उसको बहुत ही पसंद है। एंड सच में गाइस, इससे पिंपल्स चले गए क्रिशा को। पिंपल्स तो नहीं, पर जिनी जिनी पोडली होती है ना, ऐसा हुआ था। इसकी एमआरपी है 229 एंड क्वांटिटी है 75 ml। बट बहुत टाइम चलता है, एक ही पंप लगता है तो बहुत ही चलता है एंड बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा फेवरेट NYBA का, ये क्या है, मेकअप रिमूवर बाय सॉरी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये आपको ओनली 99 में मिल जाएगी एंड 25 मिल जाएगी इसमें वाइप्स, तो बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट है ब्लू हेवन के लिप बाम, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो मेरी कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं उनको पता ही है मैं ब्लू हेवन के लिप बाम ही यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही अच्छे है। एंड ये जो मेरा शेड है ना, ये है प्लम किस, ऐसा आपको टिंट में मिलेगा। ऐसा शेड आपको अगर पसंद है, बहुत ही अच्छा है एंड वेरी जूसी है, ग्लोसी है। एंड जो सेकंड है वो है डस्टी रोज, जो मैंने क्रिशा के लिए ऑर्डर किया है। क्रिशा को क्या है ना, स्कूल में जाती है तो ऐसा टिंट नहीं चलता है, तो ये प्लेन है। तो दोनों लिप बाम बहुत ही अच्छे हैं एंड इसकी जो MRP है 200, बट आपको 200 में नहीं मिलेगा। पर्पल पे जब सेल होता है तो आपको 180 में या 100, कभी कभी 50 में भी मिल जाता है। तो ये दोनों लिप बाम बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। एंड नेक्स्ट जो है वो है NYBA की 3 काजल। मैं वही आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे बहुत ही, मेरा मूड ऑफ हो गया ये 2 काजल में। ये काजल तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आज मैंने वही लगाई है, वेरी जेट ब्लैक। बट मुझे ये दोनों में मेरा मूड ऑफ हो गया, क्यों हो गया वही आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि क्या हुआ आपके। मैं आपको ये बता देती हूँ, ये मैंने काजल बहुत ही मैंने सेल की है एंड मैं खुद भी यही यूज़ करती हूँ। ममा अर्थ की है, वो भी अच्छी है, बट कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाती है तो मुझे उतना पसंद नहीं है। ये आप पूरे की पूरी यूज़ करोगे फिर भी ये ड्राई नहीं होगी एंड जो इरिटेशन होता है ना, वो भी आँख में इससे नहीं होता है। तो मैं बहुत टाइम से मैं NYBA की यूज़ कर रही हूँ एंड ये आपको 100 rupees के अंदर आ जाएगी एंड वेरी स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ। एंड देखो वेरी जेट ब्लैक, तो मुझे ये काजल बहुत ही पसंद है एंड आपको 100 rupees में ही आ जाएगी। एंड ये 2 काजल में जो मुझे हुआ ना, उसी में से एक काजल जो है ना, कौन सा शेड था, 01 था, वही मेरा हुआ है, ब्रेक होके आया है मेरा, तो वो मुझे पसंद नहीं है, मैं रिटर्न कर दूंगी। पर्पल पे रिटर्न हो जाता है, अब ये होगा कि नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है ना, पर्पल पे नहीं होता है। तो देखो आज मैंने वही की है, ब्लू एंड पर्पल शेड आते हैं, अच्छा है काजल, अच्छा है, बट जो मुझे वो ब्रेक होके आता क्या है ब्रेक होके आया है ना, देखो, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं ये एक मैं आपको बताती हूँ, ये काजल मैं रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि देखो ये मेरा ब्रेक होके आया है, तो मुझे ये रिटर्न ही करने। एक तो एक क्वांटिटी प्राइस के हिसाब से बहुत कम है एंड बहुत स्मूथ है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो एक तो ये क्वांटिटी कम है तो मैं ये रिटर्न ही करने वाली हूँ। ये शेड है, शेड बहुत ही अच्छा है, तो ये मैं रिटर्न कर दूँगी, पर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट जो शेड है वो मैं रिटर्न नहीं करूँगी, ये वो ग्रीन वाला है, मैं इसकी क्वांटिटी आपको दिखा देती हूँ। एंड ये देखो ये पॉइंट है, तो वो पॉइंट नहीं आया है मेरे में, तो मुझे वो रिटर्न करनी है, देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता है।
एंड नेक्स्ट जो है मुझे मिला है डॉक्टर सीड्स के सीरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन, मुझे तो बिल्कुल फ्री में मिले हैं, तो आई एम सो हैप्पी। अच्छा आपको ये मेरा पर्पल हॉल कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना एंड जो साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have